मैं हूं डॉक्टर दिनेश ठक्कर, ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रॉम अहमदाबाद। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसा ऑपरेशन की बात करने वाले हैं कि जो हमारा घुटनों का ओरिजिनल जॉइंट बचाता है। इस सर्जरी का नाम है हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी, यानी शॉर्ट में उसे हम HTO कहते हैं। हम लोगों ने जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में तो बहुत सुन रखा है, लेकिन इस सर्जरी के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। तो पहले आइए हम देख लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल जो जॉइंट होता है वो कैसा होता है। हमारा जो जॉइंट होता है वो फीमर और टीबिया दो हड्डी के बीच में नी जॉइंट होता है। इसके बीच जो हड्डी का छोर है इसके ऊपर कार्टिलेज यानी गद्दी का आवरण होता है और वो एकदम स्मूथ होता है। और वो यही दो हड्डी एक दूसरे के साथ बहुत ही सारे लिगामेंट के साथ पकड़ में, ऐसे यहाँ दिखाया गया है, वो लिगामेंट उसको, इस दोनों हड्डी को पकड़ के रखते हैं। और इस घुटना का जो जॉइंट है, नी जॉइंट है, वो दो कंपार्टमेंट होता है। एक अंदर का भाग यानी मिडियल कंपार्टमेंट और एक दूसरा भाग जिसे हम लेटरल कंपार्टमेंट कहते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि घुटनों का घिसारा होता क्यों है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो पहली इमेज है इसमें जो पांव इस मरीज के हैं वो हमको दिखने में सीधे लगते हैं, लेकिन अगर हम इसका पूरा एक्सरे निकालें तो हमें पता चलता है कि ये जो सीधा दिखने वाला पांव है वो सीधा नहीं है, लेकिन 5 या 10 डिग्री मुड़ा हुआ है। दूसरी दो इमेज जो होती है वो दो इमेज में तो हम साफ दिखाई देता है कि इस दोनों मरीज के पांव मुड़े हुए होते हैं। तो हम सीधा पांव किसको कहते हैं? जो सीधा पांव हम इसे कहते हैं जिसका हिप जॉइंट का सेंटर, ये जो हिप जॉइंट होता है इसका सेंटर और ये नीचे पांव पंजे का सेंटर, मतलब कि एंकल जॉइंट का सेंटर, इस दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं, अगर वो नी जॉइंट के बीचों बीच से जाता है तो उसे हम सीधा पांव कहते हैं। और ये जो इमेज है कि कभी किसी के पांव अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं और कभी किसी के पांव बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। जिसका अंदर की तरफ पांव मुड़ा हुआ होता है उसको जो गद्दी घिस जाती है वो पहले अंदर के कंपार्टमेंट में घिस जाती है, और जिन लोगों का पांव बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है उन लोगों को बाहर के साइड की गद्दी घिस जाती है। तो ये गद्दी घिस कैसे जाती है इसका अगर हम इस वीडियो क्लिप देखेंगे तो पता चल जाएगा। घुटनों का जोड़ यानी नी जॉइंट बनाने वाली हड्डियों के छोर पर गद्दी यानी कार्टिलेज का आवरण होता है। नी जॉइंट दो भागों में बटा होता है, अंदर का भाग और बाहर का भाग। आमतौर पर चलने फिरने के दौरान दोनों भागों पर एक समान दबाव आता है। कुछ लोगों के पांव घुटनों से मुड़े हुए होते हैं, इसलिए घुटनों के दोनों भागों पर समान दबाव आने के बदले कई सालों तक सिर्फ अंदर के भाग पर दबाव आता रहता है, इसीलिए उस भाग की गद्दी घिस के नष्ट हो जाती है। उसी कारण दोनों हड्डियों के छोर एक दूसरे के साथ घिसते रहते हैं और इसी वजह से घुटनों में दर्द होता है और रोज भरोज के कामों में अड़चन पैदा होती है। तो ऐसे हमने देखा कि कैसे गद्दी घिस जाती है मुड़े हुए पांव में, और इसका हमें डायग्नोस करना है। मान लो कि उसका हमें निदान करना है तो कैसे करेंगे? जो गद्दी बहुत घिस गई होती है उन लोगों को तो एक्सरे से ही पता चल जाता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गद्दी घिस गई है। अगर हम ये पहले वाला एक्सरे देखते हैं तो इसमें साफ दिखाई देता है कि दोनों जो जॉइंट में जो जगह दिखती है, दो हड्डी के बीच में जगह दिखती है, जो जगह दिखती है एक्चुअल में जगह नहीं होती, लेकिन जो कार्टिलेज यानी गद्दी हमें एक्सरे में दिखाई नहीं देती इसीलिए कार्टिलेज के बदले वहाँ जगह दिखती है। और दूसरी इमेज हम देखते हैं इसमें देख सकते हैं कि यहाँ गद्दी की जगह जो दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती। यहाँ जगह नहीं दिखती इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ गद्दी घिस गई है। यहाँ जगह दिखती है इसका मतलब ये है कि यहाँ गद्दी यानी कार्टिलेज नॉर्मल है। तो अगर घिसारा की शुरुआत होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होती है, तो वहाँ शायद एक्सरे नॉर्मल भी आ सकता है। तो इस केस में हमको MRI करके जांच करनी पड़ती है कि गद्दी घिसनी शुरू हुई है या नहीं। बहुत ही अर्ली स्टेज में हम लोग MRI करवाते हैं। तो HTO में हम क्या करते हैं? HTO के ऑपरेशन में हम जो पांव मुड़े हुए होते हैं इस पांव को सीधा कर देते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले
बिफोर HTO हम लोग देख सकते हैं कि मुड़ा हुआ पाँव है, ये ऑपरेशन के बाद दोनों मरीज के पाँव, आफ्टर HTO के ऑपरेशन के बाद दोनों मरीज के पाँव सीधे हो गए, मतलब कि उनका जो शेप है पाँव का, वो पाँव का शेप चेंज हो जाता है। तो ये सबके मन में सवाल ये उठता है कि ये मुड़े हुए पाँव को ऑपरेशन में ऐसा क्या किया कि वो सीधे हो गए। तो आइए हम इस वीडियो क्लिप में देखते हैं कि मुड़े हुए पाँव को हम लोग ऑपरेशन में कैसे सीधा करते हैं। पूरे पांव का एक एक्सरे निकाला जाता है और उसी एक्सरे में कंप्यूटर की मदद से कितनी मात्रा में पांव मुड़ा है उसका सचोट पूर्वक मेजरमेंट लिया जाता है। इसी मेजरमेंट के अनुसार घुटने के नीचे की हड्डी में से तिरछी यानी ट्रायंगल ऑफ पीस निकालकर मुड़े हुए पांव को सीधा किया जाता है और इसी तरह किए गए आर्टिफिशियल फ्रैक्चर को प्लेट और स्क्रू से पकड़ लिया जाता है, वो फ्रैक्चर को जल्दी जुड़ने में मदद करता है। तो हमने देखा कि आर्टिफिशियल फ्रैक्चर करके, घुटनों के नीचे की हड्डी है इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट करके ट्रायंगुलर पीस निकाल के इसे ऐसे सीधा करके प्लेट और स्क्रू से पकड़ लेते हैं। तो एक्सरे कैसा दिखता है अगर वो देखें ऑपरेशन के पहले का और एक बाद का, कि यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑपरेशन के पहले का जो एक्सरे है इस मरीज का जो मुड़े हुए पाँव है, तो यहाँ हिप जॉइंट का सेंटर और एंकल जॉइंट का सेंटर अगर हम मिलाते हैं तो जो लोड जाता है वो घिसे हुए कंपार्टमेंट्स में से ही जाता है। ये ऑपरेशन के बाद हमने पैर ऐसे सीधे कर दिए, इसके बाद का अगर एक्सरे हम देखें तो इसके बाद का एक्सरे में हम साफ देख सकते हैं कि हिप जॉइंट का सेंटर और एंकल जॉइंट का सेंटर मिलाते हैं तो जो लोड जाता है वो हेल्दी कंपार्टमेंट यानी आउटर कंपार्टमेंट में से जाता है। इससे और एक एडिशनल अच्छी बात क्या होती है इसमें, ये जो पहले जगह नहीं दिखती थी यहाँ ऑपरेशन के पहले, वो ऑपरेशन के बाद जिस जगह नहीं दिखती थी वहाँ जगह दिखनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ धीरे धीरे कार्टिलेज यानी गद्दी नहीं बन गई। तो सबके मन में सवाल ये उठता है कि गद्दी नहीं कैसे बन जाती है, जैसे कि हम नाखून काट देते हैं तो नाखून अपने आप आ जाते हैं, हम लोग शेविंग करते हैं अगर 2-3 दिन शेविंग नहीं करते हैं तो बाल अपने आप नए आ जाते हैं, ऐसे ही इस तरफ घिसना बंद हो जाता है, लोड आना बंद हो जाता है, तो वहाँ अपने आप नेचर जो गद्दी है वो नहीं बना देता है। तो इसे भी हम बहुत ही अच्छी तरह से अगर समझना चाहते हो तो देखते हैं ये वीडियो की कैसे गद्दी नहीं बनती है। दबाव अंदर के भाग कि जहाँ गद्दी घिसी हुई होती है उसके बदले बाहर के भाग कि जहाँ गद्दी मजबूत है उसके ऊपर आता है। इसी आर्टिफिशियल फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए घुटने के आसपास ज्यादा खून का बहाव शुरू हो जाता है। इस तरह ज्यादा खून के बहने से और घिसे हुए भाग में दबाव बहुत ही कम आने से धीरे धीरे यहाँ गद्दी नहीं बन जाती है। तो फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं, आइए देखते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो हमारा ओरिजिनल जॉइंट है उसे निकाल दिया जाता है। देखते हैं हम यह जो जॉइंट है उसे ऐसे ओपन करते हैं, इसके बाद जॉइंट खोलने के बाद जो घिसा हुआ छोर होता है हड्डी का, इसको ऐसे काट कर निकाला जाता है। ये जो है वो ऊपर की हड्डी का जो छोर है घिसा हुआ उसे निकाल देते हैं, और ऐसे ही जो नीचे की हड्डी है इसका जो एंड्स होते हैं छोर होते हैं उसे भी काट कर निकाला जाता है। एक बार हम काट कर ये निकाल देते हैं फिर उसे अगर हम वापस लाना चाहे तो वापस चिपका नहीं सकते, एक बार निकल गया मतलब निकल गया, वो फिर वापस चिपका नहीं सकते। वापस जो चिपकाते हैं वो आर्टिफिशियल यानी स्टील का जॉइंट होता है। यहाँ देखो हमने स्टील का जॉइंट लगाया और इसी जॉइंट को सीमेंट से चिपका देते हैं, तो फिर ये जॉइंट रिप्लेसमेंट है। इस साइड की इमेज में भी हम देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल जॉइंट है वो निकाल कर आर्टिफिशियल जॉइंट सीमेंट से चिपका देते हैं, तो इसके वो चला गया इसके बाद हम वापिस नहीं ला सकते, तो ऐसे ही ला सकते हैं। तो सवाल ये होता है कि HTO का ऑपरेशन कब करवाना चाहिए, तो दर्द और कर्ज जितना हो सके इतना जल्दी खत्म कर देना चाहिए। मेरा मतलब है चलने के दौरान जब दर्द शुरू हो जाता है और हमारी डे टू डे एक्टिविटी सफर होनी शुरू हो जाती है, इसके बाद जितना हो सके इतना जल्दी HTO का ऑपरेशन करवा लो तो आप अपनी लाइफ जो बाकी की है वो एंजॉय कर सकते हो और आप फुल जो सब एक्टिविटी है इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो।
कई लोग पूछते हैं कि ऑपरेशन के बाद कितना आराम करना पड़ता है, तो एचटीओ के ऑपरेशन में हम लोग अस्पताल में 3 से 4 दिन रखते हैं, और ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन, मतलब कि आज सुबह में ऑपरेशन किया तो दूसरे ही दिन वॉकर लेके ऑपरेशन किए हुए पांव पर कम वजन देके चलने की छुट्टी दे देते हैं। लेकिन इस ऑपरेशन में 2 से 3 महीने तक वॉकर या लकड़ी लेके चलना पड़ता है, कुछ सपोर्ट रखना पड़ता है। तो सवाल ये होता है कि इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट से ज़्यादा आराम क्यों करना पड़ता है? जॉइंट रिप्लेसमेंट में तो तुरंत 15-20 दिन के बाद बिना वॉकर को चलाते हैं, तो एचटीओ के ऑपरेशन में एक हम लोग आर्टिफिशियल फ्रैक्चर करते हैं। तो एक छोटे से फ्रैक्चर में जुड़ने में जितना वक्त लगता है, इतना वक्त हमें देना पड़ता है इसमें हमारा। लेकिन इसमें हमारा खुद का ओरिजिनल ज्वाइंट रहता है। एचटीओ के ऑपरेशन में हमें खोना कुछ भी नहीं है, उल्टा जो खोया हुआ है, हमने क्या खोया है? घिसी हुई गद्दी, मतलब कि गद्दी घिस गई, मतलब कि हमने खो दी। तो घिसी हुई गद्दी यानी कार्टिलेज को वापिस पाना है। तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जो है वो एक आर्टिफिशियल ज्वाइंट है, एडेप्टेड ज्वाइंट है। तो अगर हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, हमें जैसा बच्चा चाहिए ऐसा गोद ले सकते हैं, इसमें कोई वक्त नहीं देना पड़ता। किंतु हमें अगर अपना खुद का बच्चा चाहिए तो हमें उसे 9 महीना अपने पेट में रखना पड़ता है, मतलब कि थोड़ा वक्त देना पड़ता है। तो लेकिन वो हमारा खुद का बच्चा होता है। जो नी रिप्लेसमेंट है वो आर्टिफिशियल है, और एचटीओ में हमारा खुद का ज्वाइंट बचता है। अगर हम कंपैरिजन करें एचटीओ और नी रिप्लेसमेंट में, तो एचटीओ के बाद हम अनलिमिटेड एक्टिविटी कर सकते हैं, और जो रिप्लेसमेंट के बाद हमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो एचटीओ के ऑपरेशन में कुदरती जोड़ बचता है, जो नी रिप्लेसमेंट में हमें आर्टिफिशियल जोड़ डालना पड़ता है। एचटीओ के ऑपरेशन के बाद कोई भी मरीज खेलकूद में भी हिस्सा ले सकते हैं, जो कि रिप्लेसमेंट के बाद खेलकूद में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो जॉइंट जो है वो जल्दी लूज हो जाता है। एचटीओ के ऑपरेशन के बाद नीचे बैठ के नमाज भी अदा कर सकते हैं, जो कि नी रिप्लेसमेंट में नीचे बैठ के नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। अगर करना भी चाहें, अगर बार बार करते रह गए तो वो आर्टिफिशियल जॉइंट जल्दी लूज हो जाता है। एचटीओ के ऑपरेशन के बाद पालथी लगा के या उकड़ू भी बैठ सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट के बाद ज़्यादातर मरीजों को बोला जाता है कि उनको ये जो है मूवमेंट वो अवॉइड करना चाहिए। बराबर। तो हम देखते हैं कि जो एडवांटेजेस हैं वो तो एचटीओ के ऑपरेशन का जो एडवांटेजेस है वो नी रिप्लेसमेंट से काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर सवाल हमारे सबके मन में ये उठता है कि तो फिर इस सर्जरी के बारे में कोई जानता क्यों नहीं है? व्हाई दिस सर्जरी इज नॉट सो पॉपुलर? ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन एचटीओ के ऑपरेशन के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते क्यों नहीं है? उसका एक सिंपल रीज़न मैं बताता हूँ कि इसी स्लाइड में हम देखें कि तो हमारे पास दो ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, कोका कोला है और कोकोनट वाटर भी है, लेकिन कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है? कोका कोला इज मोर पॉपुलर। क्यों? क्योंकि इसकी एडवर्टाइजमेंट हम हमेशा देखते रहते हैं, और कोकोनट वाटर की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। कोका कोला जगह जगह मिलता है, कोकोनट वाटर सभी जगह नहीं मिलता है। ऐसा ही जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में है। जॉइंट रिप्लेसमेंट की एडवर्टाइजमेंट बहुत होती है, क्योंकि वो एक कॉमर्शियल हो चुका हुआ ऑपरेशन है, और एचटीओ का कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है कि कोका कोला जगह जगह अवेलेबल है, कई जगह पे मिलता है, लेकिन कोकोनट वाटर जगह जगह पे नहीं मिलता है। ऐसे ही जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है सर्जरी, वो काफ़ी सारे डॉक्टर्स, काफ़ी सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स करते हैं अच्छी तरह से, लेकिन जो एचटीओ का ऑपरेशन है वो बहुत ही कम ऑर्थोपेडिक सर्जन करते हैं। वही रीज़न है कि जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है वो ज़्यादा पॉपुलर है, और एचटीओ का ऑपरेशन बहुत ही अच्छा होने के बावजूद भी इतना पॉपुलर नहीं हो सका। देखें ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद का। तो ऑपरेशन से पहले यहाँ हम देख सकते हैं मुड़े हुए पाँव को हमने ऐसा ऑपरेशन करके सीधा कर दिया। इसके बाद वो नीचे ज़मीन पर पलाठी लगा के भी बैठ सकता है और ऐसे उकड़ू भी बैठ सकता है। ऑपरेशन से पहले यहाँ दूसरे पेशेंट जो हम देखें तो वो नीचे बैठ के नमाज भी पढ़ सकता है। ऑपरेशन के पहले हम देख सकते हैं कि मुड़े हुए पाँव है, ऑपरेशन के बाद हमने ये सीधा कर दिया, वो ऐसे नीलिंग पोजीशन में
बैठ के नमाज अदा कर सकता है। वीडियो में भी हम देख सकते हैं कि कंफर्टेबली ही कैन प्रे नमाज इन अ नीलिंग पोजीशन। तो ये सब एचटीओ के ऑपरेशन के एडवांटेजेस हैं। इतना ही नहीं, ऑपरेशन से पहले बाद अगर यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑपरेशन के पहले जो मुड़े हुए पाँव है उसे ऑपरेशन के बाद सीधा कर दिया, और इसके बाद वो अगर चाहे तो पद्मासन भी कर सकता है, वज्रासन भी कर सकता है। और दूसरा कि ऑपरेशन से पहले दर्द की वजह से ये थोड़ा डिसकम्फर्टेबल होता है, पेनफुल होता है, इसीलिए वो ऐसे डोल के चलता है क्योंकि उनको दर्द होता है चलने में। दोनों पैरों के अगर ऑपरेशन हो जाए इसके बाद अगर हम देखें तो वो नॉर्मल चल सकता है। यहाँ हम इमेज में देख सकते हैं इस मूवी में कि वो दोनों पैर का ऑपरेशन के बाद एकदम तेजी से भी चल सकता है, कंफर्टेबली चल सकता है, और स्टेयर्स भी बिना सपोर्ट्स के आसानी से चल सकता है। तो और दूसरा कि अगर मरीज चाहे तो आउटडोर गेम्स भी खेल सकता है। इस पेशेंट का देख सकते हैं मुड़े हुए पाँव को ऑपरेशन के बाद हमने सीधा कर दिया, और इसके बाद अगर हम बैडमिंटन खेलना चाहे तो वो बैडमिंटन भी एंजॉय कर सकता है। कई लोग 40 के बाद 30 इयर्स या 40 इयर्स के बाद अप टू 70-75 इयर्स तक आउटडोर गेम्स खेलने का हॉबीज रखते हैं। तो एचटीओ के ऑपरेशन के बाद अगर वो खेलना चाहे तो बैडमिंटन भी खेल सकता है, क्रिकेट भी खेल सकता है, टेबल टेनिस भी खेल सकता है, सब गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि नी रिप्लेसमेंट के बाद ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम बेस्ट रिजल्ट की बात करें तो ऑपरेशन से पहले जो चल बात मरीज दौड़ भी सकता है, नीचे पलाठी लगा के भी बैठ सकता है, और स्टेप अप करने में भी कोई परेशानी नहीं आती। कई लोग सवाल पूछते रहते हैं कि ऑपरेशन कितने साल तक चलता है, जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट में ज़्यादातर पूछा जाता है कि ऑपरेशन कितने साल तक चलता है। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो अगर ऑपरेशन सही ढंग से हुआ है, इसका मतलब कि अलाइनमेंट प्रॉपर किया हुआ है, तो 15-20 ईयर्स तक मरीज को कोई दर्द नहीं होता है। ऐसा एक साइंटिफिक स्टडी हुआ है। 93-94% मरीज को ऑपरेशन के बाद 15-28 ईयर्स तक कोई पेन नहीं हुआ। ऐसे बहुत से सारे लॉन्ग टर्म फॉलोअप के स्टडीज हैं, वो बताते हैं कि ऑपरेशन अगर सही ढंग से हुआ है तो काफ़ी सालों तक, मोर देन 15-20 ईयर्स तक वो ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं होता। इतने साल चलने के बाद भी अगर मान लो कि जो लोड हमने दूसरे हेल्दी कंपार्टमेंट में शिफ्ट किया है अगर वो भी घिस जाता है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑप्शन तो खुला ही रहता है। मतलब कि एचटीओ के ऑपरेशन के बाद हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद अगर वो इसमें हैप्पी नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, तो अगर एचटीओ का ऑपरेशन जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद करना है तो वो संभव नहीं है। तो HTO के बाद सभी ऑप्शंस खुले रहते हैं, वाइल नी रिप्लेसमेंट के बाद सभी ऑप्शंस खुले नहीं रहते हैं। तो हम दोनों ऑपरेशन का कंपैरिजन करें, जॉइंट रिप्लेसमेंट और HTO का, तो जो जॉइंट रिप्लेस हम सोचे इस कंपैरिजन करें जॉइंट रिप्लेसमेंट में के और HTO में, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट किल्स द नी जॉइंट और HTO हील्स द नी जॉइंट। तो HTO का ऑपरेशन है वो जॉइंट को बचाने वाला ऑपरेशन है, तो जो HTO बचाने वाला ऑपरेशन है वो हमेशा मारने वाले ऑपरेशन से, मतलब कि रिप्लेसमेंट से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये जॉइंट जो निकाल देते हैं उसके जगह जो आर्टिफिशियल जॉइंट डालते हैं वो जिंदा नहीं होता। अगर हो सके, अगर घुटनों का दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, अगर HTO और रिप्लेसमेंट, तो पहले हमें HTO का ऑप्शन चुनना चाहिए क्योंकि इसमें हमारा ओरिजिनल जोड़ बचता है। तो आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोका कोला कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो, लेकिन वो कोकोनट वाटर से अच्छा कभी नहीं हो सकता। कोकोनट वाटर इज अनडाउटेडली बेटर देन कोका कोला। ऐसे ही जॉइंट रिप्लेसमेंट कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो, लेकिन वो HTO के ऑपरेशन से तो बेहतर नहीं हो सकता। HTO का ऑपरेशन इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन अनडाउटेडली HTO इज बेटर देन नी रिप्लेसमेंट। तो सवाल हमारे मन में ये उठता है कि तो फिर
किसको नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए, मतलब कि सभी पेशेंट को एचटीओ करवाना चाहिए, नी रिप्लेसमेंट किसी को करवाना ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देर आर सम पेशेंट्स कि वो उनके लिए नी रिप्लेसमेंट भी एक एक अच्छा ऑप्शन है। वो पेशेंट कौन से है? जो पेशेंट्स की जो रूमेटोइड आर्थराइटिस है, जिसको गठियावा हम बोलते हैं, तो वो गठियावा वाले मरीज को एचटीओ का ऑपरेशन से कोई फायदा नहीं होता, तो उन लोगों को नी रिप्लेसमेंट के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा कि सीनियर सिटीजन्स हु आर नॉट फिजिकली एक्टिव और उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है, मान लो कि एज आफ्टर 70 और 75 के, जो घर में ही ज़्यादातर रहते हैं, उनको नहीं कोई आउटडोर गेम्स खेलने जाना है, नहीं कोई ट्रैकिंग में जाना है, नहीं कोई फिजिकल एक्टिविटी की ज़्यादा डिमांड है, तो उन लोगों के लिए भी जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन जो है वो एचटीओ का ऑपरेशन से बेहतर रहता है, क्योंकि इसमें रिकवरी पीरियड कम रहता है। और दूसरी चीज़ कि जब घुटनों का दोनों कंपार्टमेंट घिस गए हुए होते हैं, उन लोगों को भी एचटीओ का ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एचटीओ का ऑपरेशन है वो एक कंपार्टमेंट घिसा हुआ है और दूसरा कंपार्टमेंट अच्छा है उनके लिए ही है, दोनों कंपार्टमेंट घिस गया है इनके लिए एचटीओ का ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो फिर ये इन मरीजों को सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट में ही करवा सकते हैं। तो फिर अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ हम अगर हमें पूछना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हो। हमारा क्लिनिक का पता है एचटीओ नी क्लिनिक, लॉन्ग लाइफ हॉस्पिटल, पाली क्रॉस रोड, अहमदाबाद। और आज हम फ़ोन के ऊपर भी आप पूछ सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 8000485588। और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, हमारी वेबसाइट है www.drdineshthakkar.com। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।